सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं वापस आ चुका हूँ पोकेमॉन यूनाइट का और एक अमेजिंग सा गेम प्ले लेके। अभी लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो में बोला था मैं मास्टर लॉबी में एक मैच खेलूंगा जिसमें मैं 19 लेके काउंटर करूंगा जाशियन को। लेकिन और एग्जैक्टली उस वीडियो को पोस्ट करने के नेक्स्ट दिन जाशियन को बहुत गंदी तरीके से नर्फ कर दिया गया। और दूसरा चीज, मैं जब भी 19 लेके खेल रहा था एक भी मैच में मेरे को जाशियन नहीं मिला। तुम इस मैच को ही देख लो, मैं इससे पहले 5 या 6 मैच 19 से खेला, एक भी मैच में मेरे को जाशियन नहीं मिला। मैं बोर होकर स्पियन में स्विच किया और इसी मैच में जाशियन आ गया। तो मैंने सोचा चलो कोई ना, इसी से रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमने रीसेंट काउंटर किया और इट्स मोर लाइक जाशियन हमारे सामने आया ही नहीं क्योंकि पे टू विन वाला सीन अभी चल नहीं रहा। और सच बताओ ना, अभी जाशियन से भी बढ़िया चल रहा है फेविनेंट क्योंकि रैंक मैच में भाई बहुत सही चल रहा है। और स्टिल अगर तुम लोगों को अभी भी दिक्कत हो रहा है जाशियन को काउंटर करने में तो ट्राई करो एक दो स्टन वाले पोकेमॉन लेके जाने का। क्लोज कॉम्बैट और हेड ऑन फाइट तो थोड़ा अवॉइड ही करना, भले ही उसको नर्फ मिल गया लेकिन वो स्टिल थोड़ा ओपी तो है। अगर बंदा चलाने वाला अच्छा होगा तुमको मार लेगा, तो ट्राई करना थोड़ा रेंज फाइट लो तो बढ़िया रहेगा। प्लस अगर तुम लोग स्पेशल अटैकर्स यूज कर रहे हो ना तो ट्राई करना अपने साथ स्लिक स्पून कैरी करने का, जो कि गेम का नया हेल्थ आइटम है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ट्राई करना अपने स्पेशल अटैकर्स में एक चॉइस पैक स्लिक स्पून के साथ थर्ड हेल्थ आइटम एनर्जी एम्पलीफायर लेने का। और अगर किसी को जरूरत हो हीलिंग की तो शेलबेल भी ले सकते हो, बट मैं पर्सनली एनर्जी एम्पलीफायर ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी जैसे तुम लोग स्नोलैक्स को देख लो, इसको मैं कितनी जल्दी मार पा रहा हूँ। नॉर्मली दूसरे बिल्ड के साथ मैं इतना इजिली नहीं मार पाता, थोड़ा तो ज्यादा डैमेज इस पर रजिस्टर्ड हो रहा है। तो यही है स्लिक स्पून का स्पेशलिटी, डिफेंडर ऑलराउंडर के अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा काम आता है। अब देखो अगर मैं तुमको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं ना स्लिक स्पून काम कैसे करता है, तो अगर तुम कोई स्पेशल अटैकर्स यूज कर रहे हो और तुम अपने मूव से तुम सामने वाले पोकेमॉन पे डैमेज कर रहे हो तो वो स्लिक स्पून की वजह से सामने वाले पोकेमॉन का स्पेशल डिफेंस 20% इग्नोर कर देगा, तो तुम लोग और भी ज्यादा डैमेज दे सकते हो। और अगर तुम लोग पर्सनली मेरी मानो ना तो तुम लोग शेल वेल की जगह तुम लोग एटलीस्ट थर्ड जो हेल्थ आइटम रहेगा चॉइस पैक स्लिक स्पून उसके साथ या तो वाइस ग्लासेस लो या तो एनर्जी एम्पलीफायर लो। एक से तुमको डैमेज मिलेगा, दूसरे से यूनाइट, क्योंकि शेल बेल का जो हील मिलता है वो अभी बहुत ज्यादा काम भी इफेक्टिवली नहीं आ रहा है क्योंकि करंट मेटा में सभी घुस घुस के खेलता है। तो तुम लोग अगर थोड़ा ज्यादा डैमेज दे दोगे या तो तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा यूनाइट आ जाएगा 2-3 बार, तो वो तुम्हारे लिए या तो तुम्हारी टीम के लिए ज्यादा एफिशिएंट होगा। अब तुम लोग इस मैच के स्नोलैक्स को देख लो, ये बंदा इतना ज्यादा परेशान हो गया था ना मेरे से, इसलिए तो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे गेम को गिव अप भी कर दिया था। वो आके बस अपना किल देकर जा रहा था, और मैंने मजाक नहीं कर रहा, स्पियन और 19 अभी इतना गलत चल रहा है ना स्लिक स्पून के साथ। एनीवेज यहाँ पे फाइट कंप्लीट करने के बाद हम सभी चले जाते हैं रेजिलिकी को मेल्ट करने के लिए, और मैच का लास्ट रेजिलिकी लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं रिक्वाजा के पास फाइट लेने के लिए। एटलीस्ट प्लान तो हमारा यही था, बट रास्ते में देख रहे हो ये स्नोलैक्स का फील्डिंग लगा के बैठा था। वो अलग बात है कि इसने अपना एम मिस कर गया और मैं थोड़ा आगे चला आया, बट अगर ये मेरे ऊपर गिर जाता ना मैं डेड था। अब यहाँ पे स्नोलैक्स को मार लेने के बाद ना हम लोग पहले सोचते हैं कि रिक्वाजा मेल्ट करेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं रेजिलिकी एनिमी बेस में एंटर कर गया तो हमने सोचा स्कोर करने जाते हैं, बट रास्ते में हमको ये लोग मिल जाते हैं। पिकाचू ने तो हमारे डेल्फॉक्स को मार लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इनके स्पियन और पिकाचू को मार देता हूँ तो इससे ज्यादा वैल्यू क्या ही मिल सकता है। तो मैं इनको पूरा फिनिश करता हूँ यहाँ पे और बेस चला जाता हूँ हील करने के लिए। और उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने नोटिस किया कि ओपोनेंट्स का जाशियन और माचे मिलकर रिक्वाजा को मेल्ट कर रहे हैं। हमारा निंजा वहाँ पे बैठा था स्टील करने के लिए, जो कि अपना काम बहुत अच्छे से करता है, और रिक्वाजा का काम 25 करके हम लोग इस मैच को जीत जाते हैं। मैं वैसे स्कोर करने जाने वाला था लेकिन ओपोनेंट्स ने तब तक सरेंडर कर दिया, तो क्या ही कर सकता है। वैसे भी जाशियन आजकल मास्टर लॉबी में कोई यूज नहीं कर रहा क्योंकि इसको इतना गंदा नर्फ मिल चुका है, और अगर कोई यूज करेगा भी तो ज्यादातर वो वेटरन या तो अल्ट्रा लॉबी में मिलेगा। तो अगर तुम लोग को जाशियन वाले प्लेयर से दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग ऐसे स्टन वाले पोकेमॉन्स यूज करो और मस्त जीतो बे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर तीनों याद से कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग को और एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट एंड टेक केयर।